वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कौमी इंसाफ मोर्चे के ऑफिस विच तुहानू सद्या गया विशेष तौर पर, एक तो आम प्रचार हो रहा है कि कौमी इंसाफ मोर्चा चक्या चलिया, कौमी इंसाफ मोर्चा उखड़ गया, कौमी इंसाफ मोर्चे च यह हो गया। कौमी इंसाफ मोर्चा जिदा चल रहा सी उदा ही चल रहा। अज तरीक भी सी जी मानयोग हाई कोर्ट के जी एक वीर ने रिट पाई हुई है कि रस्ते खोलो, कौमी इंसाफ मोर्चे ने साड़ी ट्रैफिक साड़ा आना जाना बंद किया। मानयोग अदालत ने एक महीने की तरीक दिती है पुलिस नूं ते उस मनुख नूं कहा भी हल्फिया बयान दे, रस्ता तो हुण खुला है। एक कल प्रशासन ने पुलिस ने एक बन्ने का रस्ता खोलिया जिधर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रकाशवान ने जिधर लंगर चलता है जिधर दीवान साहब दे वो सड़क बंद है उदा ही है जिदा प्रोग्राम चलते सी। एक साइड तो उन्होंने सड़क खोली है ना, तो कौमी इंसाफ मोर्चे ने सड़क वो बंद की सी, ना ही वह कौमी इंसाफ मोर्चे ने खोली है, वो पुलिस ने बंद की सी। पुलिस ने ही अपनी जिम्मेवारी से वो एक बन्ने का रास्ता खोलिया। असी किसी भी ना होण ना पहला आम नागरिक तंग करने की साड़ी कोई रुचि नहीं, साड़ा कोई निशाना नहीं, ना असी चाहते कोई मनुख इत्थे तंग होवे परेशान होवे। वो ट्रैफिक जारी है, प्रशासन ने सोचना उन्होंने ये जो स्पीड ब्रेकर वगैरह ला के उतो हौली किया, ये उन्हां दी जिम्मेवारी आ, उन्होंने रास्ता बंद किया थे उन्होंने खोलिया। एक बेनती होर है, कल साडे बापू जिहड़े गुरचरण सिंह सरप्रस्त ने ते कुछ वकील साहबाना ने उन्होंने आपस में कुछ विचारां दी मतभेद हुई है, वो सोशल मीडिया से गई है, सो उदा दे काफ़ी लोगों के वचन विचार भी आए ने वक्रे वक्रे। असी ये सारी जिहड़ी रिपोर्ट है क्योंकि जथेदार जगतार सिंह हवारा दे दिशा निर्देशों अनुसार चल रहा, असी अपने वालों ये जिहड़े मैंबर साहबान सारे बैठे ने जो विचार उन्होंने होए ने जो आपस में उन्होंने गलत फहमी ना विचार होए ने वो असी जथेदार जगतार सिंह हवारा नूं भेज देने ने। उन्हां दी मुलाकात जिहड़ी सोमवार ते वीरवार हुंदी, अगली मुलाकात उन्हां दी वीरवार आ, वो इंद्रवीर सिंह जी होनी पंजाब तो ते उत्थों इकबाल सिंह होनी दिल्ली तो, ये लीगली जिहड़ी उहदी मुलाकात करदे ने। जो जथेदार दे दिशा निर्देश होणगे वो असी आप संगत नूं भी ते जिहड़ी प्रैस है लोकां नूं भी वो असी दस दांगे। कौमी इंसाफ मोर्चा जो लगा होया अज आमद भी वधी है, अपनियां वखरियां वखरियां राज्यां तो इत्थों तक कि हरियाणा तो 100 तो उपर संगत आई है, इत्थों भी आई है। संगत नूं पता भी किदां कौमी इंसाफ मोर्चा लगा, तो साडी पुरजोर संगत नूं लोकां नूं बेनती अपील है कि ये जिन्ना चिर साडियां मंगां मन्नियां नहीं जांदियां कौमी इंसाफ मोर्चा इदां ही लगा रहना। कौमी इंसाफ मोर्चे कोई तरेड़ नहीं होनी, जे किसी प्रबंधकों की एक दूजे थोड़ी बाड़ी आपस में हुंदी भी आ वो असी मतभेद गुरु के आसे गुरु ग्रंथ साहब के आसरे असी निपटा लैने। कोई किसी तरह की किसी भी नूं नहीं परेशानी हो रही, मोर्चा उदा ही चढ़दी कला में जा रहा, तो चढ़दी कला में जाएगा। जल्दी तो जल्दी जिहड़े साडे कौमी इंसाफ मोर्चे दीआं मंगां वा असी इहदा दबाव बना देंगे सरकार से, वह मनण लई मजबूर। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। एक इहदे नाल बेनती करनी चाहुंदे आ जिहड़ी इह तों इस कल वाले नूं वक्री है, शाम नूं कल पुलिस वालिआं ने एक ऑफिसर ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है, अणमनुखी गल की आ, इंसानियत तो उल्ट हवानियत वाली गल की, एक गुरसिख दे उहने थप्पड़ मारे ने, उहदे कसुन्ने मारे ने, उहनूं भैण दीआं गालां कढ़ियां, जिहड़ा जिहड़ा साडा समाज साडा सिस्टम कदी बर्दाश्त नहीं करदा, असीं उहदी पुरजोर निखेधी करदे हां। बापू लाभ सिंह की जिहड़ी छिट तोड़ी उन्होंने वो माफ़ी भी मंगी है, असी ये बेनती करते प्रशासन अगे तो कभी भी यहो जी गलती ना करन, नहीं तो ये यदा नुकसान इन्हों होना सानू नहीं होना। सानू लोक शक्ति ते लोक ताकत ते बहुत विश्वास है, लोग साडे नाल ने कौमी इंसाफ मोर्चे दे, वो जिहड़े भी अफसर ने कीती है असी उन्हों कटहरे विच भी ले जावांगे, असी उन्हों माफ़ी मंगाउण लई मजबूर करांगे, जिहड़े उन्हें एडे उच्च रुतबे ते अपनी यूनीफार्म पा के साडे समाज नूं इक कलंकित कीता वा गालां कढ़ियां उहदे थप्पड़ मारे।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੱਲਲ ਪਾਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਆਊਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਦੇਣ ਸਹੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੋ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਫੁੱਫੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ SP ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਨੇ 3-4 ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲ 'ਤੇ ਘਸੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਲੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਤੰਬੂ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫੇਸ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ SP ਜੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਰੇ ਪੱਤਰੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸਾਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ
सी आर पी ला देंगे। देखो वो जी सरकार है वह कुछ भी कर सकती है, असी ये जमहूरी ढंग के नाल शांतमई तरीके दे नाल मोर्चा लाया। बिल्कुल कोई गल नहीं, कुछ भी कर सकती है, वो ताकत है, वो को बार है, वो को गन्ना ने, वो को फोर्सा ने, परंतु कौमी इंसाफ मोर्चा जिन्ना मकसद लई लग्या, जिन्ना मंतवां लई लग्या होया, वो जिन्ना चिर हल नहीं हुंदे ये चलता रहेगा। दूजा जिहड़ी संगत इत्थे दिन रात रहिंदी है उन्हां दे कदमां च सिर झुकदा है, और जिहड़ी संगत जिस तरह कल हालात बने ते उस तों बाद अज हरियाणा दिल्ली तों मेरे नाल गुरदीप सिंह जी किसान आगू बैठे ने भोगपुर तों, इसे तरह पिछे किसान आगू रेशम सिंह जी खड़े ने, इसे तरह सरदार बलजीत सिंह भाऊ ये भी लखोवाल यूनियन दे किसान आगू है, इन्हां सारिया ने अज वड्डी गिणती दे विच संगतां जिहड़ियां हैगियां उह कौमी इंसाफ मोर्चे च लैके आंदियां है, और जिहड़ी संगत विशेषकर दिल्ली तों अते हरियाणे तों आई है उन्हां दे कदमां विच कौमी इंसाफ मोर्चे दा इहदे सारे प्रबंधकां दा सिर झुकदा है। ते बाकी यह है कि छोटियां मोटियां गल्लां एक वड्डे परिवार दे विच चलदियां रहिंदियां है। साडे सरप्रस्त बापू गुरचरण सिंह जी साडे सारिआं दे सतिकारयोग ने, इसे तरह वकील साहबान जिन्हां दे विच जे आपां चाल साहब की गल करिए तां मेरा ख्याल है 3 दहाके हो गए वो जथेदार जगतार सिंह हवारा ते बाकी सिंघां दे केस जिहड़े हैगे अदालत च झगड़ रहे हैं। सो सारिआं दा आपो अपना योगदान है, जिहड़े आगू कौमी इंसाफ मोर्चे दे प्रबंधक ने और वह इत्थे लगातार नहीं रहिंदे, उहदे बारे मैं बेनती करां कि वह पूरे पंजाब दे विच जिथे जिथे भी योगदान पा सकते हैं वह पा रहे ने, और हुण तक तालमेल कमेटी के मैंबरां की गिणती लगभग 50 हो चुकी है, और साडे सारिआं वल्लों उन्हां सारे आगूआं नूं, उन्हां सारे लोकां नूं, उन्हां सारे जथेबंदियां नूं खुला सद्दा है कि तालमेल कमेटी दे वो मैंबर बन सकते हैं, असी उन्हां दा सत्कार करांगे, और ये जिहड़ा काम हैगा किसे कल्ले कहरे बंदे दा नहीं, ये सारी संगत दा है और सारे आगूआं दा है, सारिआं नूं जिम्मेवारी दे नाल जिहड़ी नानसाफी हो रही है उहदे खिलाफ डटना चाहिए। देखो धड़े वाली कोई गल नहीं है, क्योंकि ना तो सारे आगू सारा दिन कट्ठे रह सकते हैं, जे हुण मतलब वकील ने आपां वकीलां दा धड़ा मन लिए, गल ये है भी वकील जिहड़े हैगे आ उह अदालत दे विच काम करन जांदे ने, उत्थे कट्ठे जांदे ने, कट्ठे आउंदे ने, आपां उहनूं धड़ा नहीं कह सकते। सो इसे तरह सरदार पाल सिंह जी फरांस होरां दी एक वड्डी जिम्मेवारी है, ये जिथे जिथे भी प्रोग्राम हुंदे आ उन्हां गुरद्वारियां दे विच जांदे ने, जिथे भी इन्हां नूं बुलाया जांदा उत्थे जाके ये मोर्चे वल्लों संगतां नूं सुनेहा लाउंदे ने। साडी ड्यूटी मोर्चे वल्लों जिथे जिथे भी लगदी हैगी है असी मतलब उत्थे उत्थे जाके इस मोर्चे दे बारे संगत नूं जागरूक भी करदे आ, जाणू भी करवाउंदे आ, और उन्हां नूं आउण दी बेनती भी करदे आ। आउण वाले दिनां दे विच होर वधिया ढंग दे नाल पिंडां दे विच जिहड़ा हैगा अलग अलग कमेटियां बना के मोर्चे नूं मजबूत करन दा यतन जिहड़ा हैगा उह करांगे। हाँ जी, मोर्चा पूरी तरह एक मुठ है जी, आगू एक मुठ ने, किसी विच कोई मतभेद नहीं है। बहुत सारे लांछन ये विक गया, ये खा लिया गया, पैसे खा ले, आ हो गया, इस तरह दियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां अक्सर कीतियां जांदियां ने। नहीं, बापू जी अज कम गए हुए है, थके हुए सी, कल भी उन्हां दी लत दर्द कर रही सी, वह बहुत देर जिहड़े हैगे आ उत्थे गुरद्वारा साहब च पैंदे ने। जिस तरह गल आई सी कि आगू मोर्चे तो बाहर होटलां च रहिंदे ने, कोई भी आगू होटल दे विच नहीं रहिंदा। वध तो वध सिंघ शहीदां गुरद्वारा सुहाणा साहब जिहड़ा हैगा उत्थे जाणी आगू उसे तरह ही पैंदे ने जिस तरह इत्थे पुंजे संगत जिहड़ी हैगी आ पैंदी आ जां ट्रालियां च पैंदी आ। देखो गल ये है कि मोर्चे दे विच संगत घट है जां वध है, इहदा सवाल नहीं। सवाल ये है कि मोर्चे दे विच बैठी संगत दीआं भावनावां की ने, और पूरे पंजाब दे विच, पूरे देश दे विच, पूरी दुनिया दे विच उन्हां भावनावां दे नाल जुड़े हुए लोकां दी गिणती किन्नी है। माफ करना, मोर्चे दे विच 200-400 बंदा हुंदा है, परंतु 26 जनवरी नूं 70-80 हज़ार बंदा इत्थे पहुंचिया, और जदों मोर्चे दे विच केवल 200-250 सिंघ रह गए सीगे ते इह कहा जांदा सी कि मोर्चा खत्म हो गया,
आ 15 अगस्त 15 दिन पहला लंघ के गई है। 30 तो 40 हज़ार संगत अत की गर्मी दे विच बहुत वड्डे काफले बना के मोर्चे दे विच शामिल हुई। इहदे बारे सरकारां पुलिस प्रशासन अफसरशाही बड़े भली भांत जानते हैं। प्रोपोगंडा करना सरकारां दा काम हुंदा है, विरोधियों का काम हुंदा है। चलो वह आपकी ड्यूटी निभाई जाते हैं, उहदे नाल जिहड़े प्रबंधक है उन्हां दे थोड़े बहुते पाप धोते जाते हैं, असीं उन्हां दा वी धन्नवाद करदे हां। साडे अद्धे सद्दे ते जी मीडिया पहुंचदी है, हर वारी पहुंचदी है, 7-8 महीने हो गए धरने नूं, साडे अद्धे सद्दे ते असीं सारे आंदे हां। मीडिया नाल जिहड़ी बदसलूकी हुंदी आ उहदे वास्ते वी तुसीं कोई ना कोई, रात वी साडे मुंडे दा कैमरा खोलिया, उह फोटो कर रहा सी, असीं बड़ी मिन्नतां कीतियां उहदियां वी बई तेरी फोटो नहीं करी, एक सिर्फ ओबिट फोटो है, लाइटिंग की फोटो आ, कहिंदे इहनूं डिलीट कर नहीं तां कार्ड खोह के तेरा सारा तोड़ दांगे। मतलब आ चीज आपां बड़ी वारी देखी, मीडिया जिहड़ा हैगा उह केवल सहयोग ही नहीं कर रहा। असीं तां इह कहांगे कि मीडिया ने आपदा बेहद आर्थिक नुकसान जिहड़ा हैगा खासकर सोशल मीडिया ने कौमी इंसाफ मोर्चे दे नाल जुड़ के ते रह के करवाया। जिहड़ी उन्हां दे नाल बदसलूकी हुंदी है उहदे लई असीं प्रबंधकां वल्लों दोवें हथ जोड़ के माफ़ी मंगदे हाँ। तो कोई भी प्रबंधक जिहड़ा इत्थे हुंदा है जां जिहड़े आगू जिस तरह गिल साहब खड़े ने मोगे वाले, इह लगातार रह रहे आ पिछले 8-9 महीनों तों, इहो जे बंदियां दी शनाख्त करो और इह तुहाडा परिवार है, तुसीं इहनां सारिआं नूं जाणदे हो। कोई भी बंदा मिलता तुरंत तो दे ध्यान च लैके आओ, असी सारे तुहाडे नाल खड़े ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ, ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। देखो गल कंट्रोल दी नहीं है, गल है कि बुलावा बहुत ने, मैं तुहाडे सामने बैठा है और तुसी सारे जाने जानते हो कि मैनू किन्नियां गालां जिहड़ियां हैगियां कढ़ियां गईयां, किन्नी मेरी बेइज्जती कीती गई, किन्ना कुछ मैनू कहा गया। पर आपां सारिआं ने समेत तुहाडे कौमी इंसाफ मोर्चे दे उन्हां हितां नूं देखणा है, उन्हां प्राप्तियां वल देखणा है, उस गल वल देखणा है जिहड़ी कि साडे सारे समुच्चे समाज दे सिख पंथ दे पंजाब दे हित दे विच हैगी है। सो इहदे लई साडे ते थोड़ियां बहुतियां मुश्किलां आउंदियां तां सानूं अपने आप नूं होर मजबूत करना चाहीदा है, बाकी आपां यतन करांगे अजिहा अगे तों ना होवे। बापू जी नूं पुछिया जा सकदा पर कोई सरकार दे नहीं। कई वारी बंदा नर्वस हो के परेशान होके कई वारी इदां दे लफ्ज निकल जांदे मूंह ते, असीं पुछांगे कोई नहीं, जे जे सानूं समझ पई जे लोड़ पई असीं उहदा निरीक्षण करांगे। प्रशासन ने बंद की, प्रशासन ने खोली, देखांगे। नहीं चंगी गल है, लोगों नूं पता लगता है, वह कोल दी लंघदे आ, वह देखदे आ कि इत्थे मोर्चा लग्या होया है। बहुत सारे लोग बार बार दी लंघ जांदे सी, उन्हां नूं पता नहीं सी लगदा, हुण जिहड़ी संगत भी इत्थों लंघेगी वह देखेगी तां कुदरती गल है इहदे नाल मोर्चे की जिहड़ी चर्चा है वह पहलां नालों वध होएगी और सरकार ते दबाव वधेगा, मोर्चे नाल वध संगत जुड़ेगी। जिहड़े निहंग सिंघां दे जी जथेदार ने उन्हां ने सहमति जताई है कि आपां इह रस्ता खोलण लई तैयार हां, वी असीं सहमत है सारी कमेटी दे नाल, उन्हां ने ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਗਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਟੀਨਾਂ ਚੁਕਵਾਈਆਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੜਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਦਜਵਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਅਖਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।